मध्य प्रदेश पुलिस के मुखिया सुधीर कुमार सक्सेना अपने 3 दिन के दौरे पर इंदौर पहुंचे हैं। यहां तमाम वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग के बाद बुधवार को बाणगंगा व महिला थाने का औचक निरीक्षण किया, जहां तमाम पुलिस की कार्यप्रणाली से जुड़े कार्यों की मॉनिटरिंग की गई। बता दें, प्रदेश के भोपाल और इंदौर में कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद पहली बार अपने 3 दिवसीय दौरे पर इंदौर आए प्रदेश के पुलिस DGP सुधीर कुमार सक्सेना द्वारा लगातार पुलिस की कार्यप्रणाली का शहर में अवलोकन किया जा रहा है। यहां उनके द्वारा बुधवार को बाणगंगा थाने पर पहुंचकर थाने में शिकायत करता हूं उसे लेकर पुलिस द्वारा किए जा रहे कार्यों का अवलोकन किया गया। इस दौरान उन्होंने रिपोर्ट लेखन कार्य से लेकर रोज नामचा तक के रजिस्टर चेक किए, तो वहीं महिला डेस्क का निरीक्षण किया गया, जहां उनके द्वारा फरियादी महिला को फोन लगाकर पुलिस की कार्यप्रणाली और उनके द्वारा उनकी शिकायत के निकाल को लेकर फोन लगाकर चर्चा की गई, जहां से उन्हें पुलिस की कार्यप्रणाली का संतोषजनक जवाब भी मिला, जिस पर से उन्होंने थाना प्रभारी सहित महिला डेस्क अधिकारी की प्रशंसा भी की। DG साहब ने समस्त रिकॉर्ड्स देखे, समस्त मालखाना देखा, शस्त्रागार देखा और थाने की कार्यप्रणाली किस प्रकार से CCTNS पे चल रही है और किस प्रकार से समन्स वारंट रजिस्टरों का वितरण हो रहा है, उनका एग्जीक्यूशन हो रहा है, किस प्रकार से जो कंप्लेनेंट आ रहे हैं उनको कैसे सुना जा रहा है और उनके संतुष्टि का स्तर कैसा है, इन सभी चीज़ों पर DG साहब ने बहुत गंभीरता से और बारीकी से उसका निरीक्षण किया। और जाते समय वो आपसे कुछ वेल्डन ऐसा कुछ बोल के भी कहते, क्या बात हुई आपकी आखिरी में जाते समय? नहीं, DG साहब ने पूछा था कि कहाँ इसके पहले कहाँ पदस्थ रहे और कार से संतुष्ट, मुझे लगता है कि कार से संतुष्ट दिखे होंगे, दिख रहे थे वो। DI साहब और अन्य अधिकारियों ने जरूर कहा कि हाँ, वेरी वेल डन। हाँ, उन्होंने जब उनको बताया गया कि किस प्रकार शिकायतें सुनते हैं, कितनी शिकायतें आती हैं, तो हमारे उपनिरीक्षक श्रद्धा द्वारा बताया गया कि पिछले साल 1597 रिपोर्ट आई थी और इस साल भी लगातार रिपोर्ट आ रही है। हम प्रत्येक रिपोर्ट को संधारण किस प्रकार करते हैं, किस प्रकार उनका रिकॉर्ड रखते हैं, जब उनको बताया तो उन्होंने फिर एक दो जगह रुके, फिर उन्होंने कहा कि आपने फाइल किया हुआ है क्या, ये क्यों फाइल किया, तो उन्होंने बताया कि संतुष्ट होने से फाइल किया गया। तो उन्होंने फिर फरियादी को फ़ोन लगाया तो उसने बताया महिला ने कि मैं गांव में हूँ, तो साहब ने बताया कि मैं थाने से बोल रहा हूँ, आपके पति से आपका झगड़ा हुआ था, आप क्या है, तो उन्होंने कहा नहीं सर, आप ठीक से रह रहा है, तो बोले आप अब आप कोई झगड़ा तो नहीं होता, बोले नहीं होता, बोले आप थाने गई थी, तो उन्होंने कहा गए थे थाने, तो उन्होंने पूछा कि रिपोर्ट लिखी थी, उन्होंने कहा रिपोर्ट भी लिखी थी और अब सब ठीक है, फिर उन्होंने पूछा आप संतुष्ट हैं, तो उन्होंने कहा मैं संतुष्ट हूँ।